हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइको सो। सो फ्रेंड्स, जहां देखो वहां पे आप लोग देखते होंगे आरडीपी सर्वर। तो आज जानते हैं कि आरडीपी सर्वर क्या है और हम लोग कैसे इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो भी फ्री में। सो आरडीपी का फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। सो ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू क्या करते हैं, यूजर कनेक्ट करता है रिमोटली प्रेजेंट डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो लेट्स सपोज कीजिए आपको कोई भी एक कंप्यूटर हो गया, डिवाइस हो गया या कुछ एक्सेस करना है डिवाइस, तो आप क्या करेंगे, वहाँ आरडीपी का यूज करेंगे। और आप लोग अगर उसे रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, रिमोटली एक्सेस इन द सेंस वो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरडीपी, जो कि है ये एक प्रोटोकॉल है जो कि ये सारा कुछ आसान बना देता है आपको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आज मैं एक ऐसा साइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको फ्री में जो है आरडीपी सर्वर मिल जाएगा, और जिस लोकेशन का चाहे वहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकेशंस है, आपको जो लोकेशन चाहिए आप वो लोकेशन पे लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि इसका आप लोग गलत इस्तेमाल ना करें, और ये बस एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप लोग इसका कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर आप लोग इसका कोई गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड ज्यादा शेयर करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने जो क्लाउड डेस्कटॉप है वो बहुत ही आसानी से ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग जो एक्शन चाहो वो सारे एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग जो भी एक्शन परफॉर्म करें वो अपने रिक्स पे परफॉर्म करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कि किसी इलीगल या अनऑथराइज चीज के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये OS आ चुका है, और ये बेसिकली हमें लिनक्स OS है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग जो ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जैसे आप लोग लॉन्चर क्रिएट कर सकते हैं, URL क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप सेटिंग पे जा सकते हैं, यहाँ डेस्कटॉप सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग रन कर सकते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप सेटिंग पे ही चलते हैं और यहाँ पे कुछ छोटा सा करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम लोग इसका थीम चेंज करके देखते हैं। चलिए हम लोग विंडोज 11 का थीम लगाते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड लगाते हैं वॉलपेपर, और ये आप लोग देखते हो वाकई में बहुत ही शानदार से ये जस्ट एक क्लिक में ये चेंज हो चुका है, तो ये बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे अगर हम मेन्यू का स्टाइल देखें तो यहाँ पे मेन्यू का सारा दिया हुआ है, आइकन्स का देखें तो आइकन्स भी यहाँ पे दिया हुआ, आइकन टाइप किस टाइप का आइकन आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग जो भी एक्शन है वो सारा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए इसको कट कर देते हैं, हम लोग चलते हैं अपने होम पे, और जैसे ही आप लोग होम पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपको फ्री में सारा जो है फील देगा, जो भी एक कंप्यूटर का फील है वो आपको यहाँ वर्चुअल क्लाउड में आपको वो सारा फील यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ्री स्पेस है 300 GB का आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर आप कुछ भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाया था कि इसका स्पीड कितना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाकई में इसका जो स्पीड है ये बहुत ही खतरनाक है। अभी जैसे कि आप लोग देखते हैं ये जो स्पीड है ये बहुत ही कम दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है ये अभी VPN से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड है ये कम आ रहा है, वरना ये आपको 1500-2000 MBPS का स्पीड निकाल के दे देगा। और साथ में यहाँ पे अगर आप कोई भी टास्क करना है, लेट्स सपोज कि आप कुछ ब्राउज करना चाहते हैं, तो आप जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, और यहाँ डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो 0 से आ जाते हैं, सिलेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ आप लोगों को मैं स्पीड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना, मतलब 9 MBPS 10 MBPS की स्पीड से ये आपका डाउनलोड हो जा रहा है, और ये बहुत ही फास्ट मतलब डाउनलोड करके आपको जो भी ये फाइल दे देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं एज एन मतलब यूट्यूब का वीडियो देखना है, तो आप जाके यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे चैनल में दिखा देता हूँ आपको सिंपली मैं इस पे गया। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सर्च कर लें ऐसे, और सर्च करके यहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।